हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, हैवल्स के इस इमर्शन रॉड की लास्ट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसमें अनबॉक्सिंग किया था इसका और प्रैक्टिकल करके देखा था कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये पानी को लो पे, मीडियम पे और हाई पे गर्म करती है और उसके बाद फिर कट ऑफ हो जाती है। इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मेज़र करेंगे हम, तो उसके लिए ये मीटर है मेरे पास जो मैंने तैयार किया है। ये मीटर हमें बताएगा कि ये कितनी वॉटेज कंज्यूम कर रही है, कितना लोड ले रही है या फिर कितने यूनिट इसने कंज्यूम किए हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइम भी बताने वाला हूँ कि ये रॉड 20 लीटर पानी को हाई सेटिंग्स के ऊपर गर्म करने में कितना टाइम लेगी। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हैं उस वीडियो के ऊपर, इसलिए मैंने टाइम इस वीडियो में आपको बताना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चलेंगी, लाइव चलाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक चीज़ को देखें और साथ में टेम्परेचर मीटर भी इसमें भी लगा के रखेंगे ताकि अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको टेम्परेचर भी साथ साथ में दिखता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए सभी मीटर तैयार हैं और पानी भी तैयार है। 20 लीटर एग्जैक्ट 20 लीटर पानी है इस बाल्टी में। 20 लीटर के जार से मैंने मेज़र करके इसको भरा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, सॉकेट लगा हुआ है, स्विच ऑन है। ये जो वायर है ये सीधा इस मीटर के अंदर जा रही है। इसको ऑन जब हम करते हैं तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब 00 दिखा रहा है। सिर्फ ये दिखा रहा है कि सप्लाई कितने वोल्ट की आ रही है और कितने हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी आ रही है, यानी कि सप्लाई दिखा रहा है सिर्फ। बाकी सब चीज़ें जब लोड कनेक्टेड होगा तब दिखाएगा। और ये है टेम्परेचर मीटर, ये हमें बता रहा है कि इस समय इस पानी का जो टेम्परेचर है वो है 19.1 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सेंसर है वो बकेट के अंदर है। और साथ में ही एक मोबाइल पे स्टॉपवॉच लगाएंगे, इसको चालू कर देंगे। जैसे ही हम प्लग इन करेंगे तो हमें ये बताएगी कि टाइम कितना लगा पानी को गर्म करने में। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर रॉड को कनेक्ट कर लेते हैं और टाइम को शुरू करते हैं। इमर्शन रॉड का सॉकेट हम लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं टेम्परेचर अभी इतना ही है। और अब स्विच ऑन कर लेते हैं और साथ में इसको भी कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर हमारा टाइमर चालू हो चुका है स्टॉपवॉच का, और ये जो मीटर है ये भी चालू हो चुका है, और जो टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं वो भी चालू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं 19.1 था, अभी चालू किया है मैंने तो 20.1 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है, यानी कि पानी को गर्म करना काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया है इसने। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा कि इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1500 वाट कंज्यूम करती है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर 1670 से भी ऊपर वॉटेज ये कंज्यूम कर रही है, और जो सप्लाई आ रही है वो 244 के आसपास आ रही है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 49.9 पे कांस्टेंट है, और अम्पेयर 6.85 अम्पेयर्स ये ले रही है, और पावर फैक्टर जो है वो 1 है। लेकिन शॉकिंग ये है मेरे लिए कि 1500 वॉट की ये रॉड है, लेकिन 1680 के आसपास ये पावर कंज्यूम कर रही है या लोड ले रही है। और ये जो 0.03 है ये यूनिट्स हैं कि ये कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ, चलते चलते 1:20 हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको पानी गर्म करने पे हाई सेटिंग पे कितना टाइम लगता है। ये सब लाइव चलेगा, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं फॉरवर्ड ज़रूर कर दूंगा, स्पीड में चलेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम तो लेगी पानी को गर्म करने में। बट स्टिल आप देख सकते हैं रीडिंग्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। 21 टेम्परेचर आ चुका है। और आप देख सकते हैं 22.1 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का तापमान हो चुका है, और लगभग 3 मिनट हो चुके हैं रॉड को चलते हुए। तापमान बढ़ता जा रहा है, 22.6 हो गया है,
लेकिन जो वॉटेज है वो कम नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है 1670 के आसपास। और जो अंपेयर हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं, इसके अंपेयर भी 6.8 कांस्टेंट चल रहे हैं, 6.8, 6.84, 85 ऐसे ही चल रहे हैं, और पावर सप्लाई भी कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो यूनिट कंजम्पशन है वो 0.09 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं अब तक। आप देख सकते हैं यूनिट का दसवां हिस्सा कंज्यूम हो चुका है सिर्फ और सिर्फ लगभग 3 मिनट 45 सेकंड में। तो हमें पता लग जाएगा कि एक बार हम 20 लीटर पानी को गर्म करेंगे हाई सेटिंग के ऊपर तो कितने यूनिट ये कंज्यूम करेगी। तो चलिए इसको अब लगा देते हैं मोबाइल को स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल लाइव रिकॉर्ड करना है, तो इसको अब चलने देते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं वॉटेज उतनी है और जो यूनिट कंजम्पशन है वो 0.15 हो चुकी है, और पानी जो है उसमें से बुलबुले आने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि पानी अब गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम तो देखो लगेगा इसमें, बट ये है कि ये सारी चीज़ें एक बार प्रैक्टिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे हैं उनके काफ़ी काम आएंगी। आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पावर कंजम्पशन के बारे में जानना है, या किसी और रॉड के बारे में आप जानना चाहते हैं, इमर्शन रॉड के बारे में, गीज़र के बारे में, या फिर किसी हीटर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी कहीं से सोर्स करके या फिर परचेज करके आप लोगों के लिए उसका इस तरह का एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को उस पर्टिकुलर डिवाइस की या फिर प्रोडक्ट की पावर कंजम्पशन के बारे में भी पता लग सके। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग 7 मिनट का टाइम पूरा होने वाला है, और जो पानी का टेम्परेचर है वो है 24.6, और जो वॉटेज है 1690 वॉट का भी पावर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर। पावर मतलब अप डाउन हो रही है, वो 1670 से लेके 1690 के बीच में कंजम्पशन चल रहा है यहाँ पर। और यूनिट का 20वां हिस्सा यानी कि 0.2 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं अब तक, और जो अम्पेयर है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, नहीं थोड़े से बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं 6.9 हो गए हैं, ये 6.8 थे, 8.4, 8.5 थे, लेकिन यहाँ पर अब ये 6.9 हो चुके हैं और उससे भी ऊपर जा रहे हैं। और जो वॉटेज है, कंजम्पशन है, वो भी आप देख लीजिए, लोड भी बढ़ता जा रहा है, 1700 वॉट का लोड ये ले रही है, उससे भी ऊपर रीडिंग्स जा रही हैं बीच बीच में। तो ये सब चीज़ें आपको लाइव देख दिखा रहा हूँ मैं इसीलिए, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो लिख देती हैं 1500 वॉट या फिर 1000 वॉट, बट प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तो रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, और इसी वजह से कई बार बिल ज़्यादा आते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो होप सो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कितना और टाइम लगने वाला है।
दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं इस रॉड को चलते हुए, आप देख सकते हैं 30 मिनट से ये रॉड चल रही है और पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे धुएं उठने स्टार्ट हो गए हैं और जो पानी का टेम्परेचर है वो 66.5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। और बात करें पावर कंजम्पशन की तो लोड वही कांस्टेंट 1680 के आसपास चल रहा है और जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो 0.85 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, यानी कि पूरा एक यूनिट अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। और जो अम्पेयर है वो 6.8586 ऐसे ले रही है ये इमर्शन रॉड और बाकी सब कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी 49.9 और 50 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। लोड भी बराबर आ रहा है, सप्लाई जो आ रही है वो 244 के आसपास हमें मिल रही है और पावर फैक्टर 1 का चल रहा है जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है इलेक्ट्रिकल लाइन में। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि लगभग 31 मिनट हो चुके हैं और 67.5 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो चुका है। लास्ट वीडियो का अगर मैं रेफरेंस लूँ तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 73 डिग्री के आसपास जब पानी पहुँचा था तो ये रॉड ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गई थी। अब देखते हैं कि अब ये किस टेम्परेचर पर जाकर कट ऑफ होती है, उसके बाद फिर हमें पता लग जाएगा कि कितना टाइम इसने लिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी हुई। तो लेट्स वेट। तो ये बंद हो चुकी है दोस्तों, इसको भी बंद कर लेते हैं स्टॉप वॉच को। आप देख सकते हैं कि इसका इंडिकेटर जो है वो बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो चुकी है और पानी का जो टेम्परेचर है वो 72.6 है, 73 है जो कि लास्ट मैंने आपको दिखाया था, सेम उसी टेम्परेचर के ऊपर इसने ऑटोमेटिक कट ऑफ किया है। और टाइम आप देख लीजिए दोस्तों, 35 मिनट 31 सेकंड लगे हैं इसको। हाई सेटिंग पे हमने इसे चलाया था, अपने हाई सेटिंग के ऊपर 20 लीटर पानी को गर्म करने में इसको लगे हैं 35 मिनट 31 सेकंड। और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कट ऑफ हो चुका है, स्विच अभी भी ऑन है बट स्टिल रीडिंग्स रुक चुकी हैं, अब कोई लोड नहीं है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी बिजली इसने कंज्यूम करी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 0.99 यूनिट्स इसने कंज्यूम करे हैं, यानी कि पूरा एक यूनिट इसने कंज्यूम नहीं किया है अपने एक बार के यूसेज में। अगर आप 20 लीटर पानी को गर्म करते हो जिसका टेम्परेचर 19 डिग्री के आसपास होगा ठंडे पानी का, उसको आप गर्म करते हो 20 लीटर पानी को हाई सेटिंग के ऊपर, तो ये 0.99 यूनिट्स कंज्यूम करती है। इसको आप एक यूनिट मान सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का ही फर्क है, ये लगभग एक यूनिट ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक यूनिट आपका खर्च हो रहा है एक बार पानी गर्म करने में। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक एक चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है प्रैक्टिकली। तो आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनके भी दिमाग में कोई डाउट है या वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो मिले और उनको भी नॉलेज मिले। आप अगर किसी और प्रोडक्ट की, दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी लाइव टेस्टिंग या प्रैक्टिकल टेस्टिंग देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट की भी ऐसी वीडियो बनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।